आप लोग कैसे हैं? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, तो अपने चैनल में स्वागत करती हूँ फ्रेंड। तो मेरा पूजा वगैरह का काम निपट गया, अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ मैक्रोनी पास्ता। तो टमाटर हरी मिर्चे ले लिए हैं, आलू कट कर लेते हैं फटाफट से। आलू भूनेंगे पहले, क्योंकि मैं मैक्रोनी पास्ता में आलू गिरती हूँ और मैक्रोनी पास्ता उबलने रख देती हूँ। देखिए पसीने के इतने आ रहे हैं क्योंकि अभी अंदर से आई हूँ ना। तो चलिए फटाफट नाश्ता बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मेरी वीडियो में बने रहना। हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो संडे का है और अपने चैनल में आप लोगों को स्वागत करती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ सुबह के नाश्ते की तैयारी चल रही है और संडे का वीडियो है। आप लोगों को पता है बच्चे घर पर ही हैं। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैंने सोचा कुछ हल्का सा ही बना लेती हूँ। तो हस्बैंड तो सुबह 5 बजे चले गए थे फ्रेंड, क्योंकि बुक पे जाना था उन्हें। तो मैंने सोचा बच्चे और मैं ही हूँ तो मैक्रोनी पास्ता बना लेती हूँ, वरना तो पराठा वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने हल्का सा रिफाइंड डाला है और नमक स्वाद के अनुसार डालकर उबलने रख दिया है। यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं आलू फ्राई कर लिए थे, हल्के से लग गए थे क्योंकि मैं अंदर चली गई थी। और यहाँ पर देखिए हमारा मैक्रोनी पास्ता भी लगभग उबल चुका है। तो यहाँ मैक्रोनी पास्ता उबाल लेते हैं और ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से उबल गया है। टमाटर हरी मिर्चें भी हम कट करेंगे अभी। तो यहाँ मैं चक्कू से देख रही हूँ, देखिए काफ़ी अच्छी तरह से उबल रहा है। और यहाँ पे 2 हरी मिर्चें और 1 बड़ा काफ़ी बड़ा टमाटर लिया है। और सुबह सुबह का टाइम है फ्रेंड, अभी 8:30 बज चुके हैं। और क्योंकि मेरी पूजा और संडे का दिन ये होता है कि नाश्ता ना मैं देर से बनाती हूँ, और वैसे तो मैं सारी सफाई वगैरह सब निपटा लेती हूँ। और वैसे तो मेरा सबसे पहले नाश्ता ही बनता है, सबसे पहले पूजा होती है धोकर, उसके बाद नाश्ता बनता है। और छुट्टी वाले दिन तो ये होता है सबसे पहले सफाई वगैरह कर लो, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। तो मेरे लगभग घर का सारा काम निपट गया है, झाड़ू पोछा सफाई है। और कपड़े तो आप लोगों को पता है मैं सुबह धो लेती हूँ, नहीं तो मुझे शाम को टाइम लगता है। मतलब कपड़े अपने हिसाब से धोती हूँ क्योंकि मैं मशीन लगाती हूँ ना, फिर ये नहीं कि सुबह ही मुझे मशीन लगानी है। तो जब मुझे टाइम लगता है मैं जब भी मशीन लगा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए हमारे मैक्रोनी पास्ता उबल गया और छलने में पसाव भी दिए थे जिससे ठंडे हो जाए। तो यहाँ देखिए हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें आलू, ये आलू जो भुने थे ना उसमें ही हमने टमाटर हरी मिर्चें बीच में से डाल दिए हैं, अलग अलग नहीं डाले, बीच में डाले। अब उन्हीं स्वाद के अनुसार डाल देते हैं नमक। नमक थोड़ा ही गिरूंगी फ्रेंड, क्योंकि पहले गिरा तो मुझे 2-3 बार गिरने की ना आदत है थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद हम मसाले, मसालदानी में है नहीं क्योंकि रात को मैंने मसालदानी वॉश कर दी थी, तो सारे मसाले बाहर ही रखे हैं डब्बों में से। और ये मसालदानी धोकर धोई थी रात, और सुबह पूछ पाछ के जब इसे एक जगह करके रख दी थी सारी डब्बियों को। तो मैंने सोचा जब नाश्ता बनाऊँगी जब कर दूँगी इसमें मसाले, क्योंकि जब मैं कुछ बनाते हैं तो मसाले तो लगभग सारे ही चाहिए रहते हैं। तो मैं डब्बे से ही मसाले गिर रही हूँ फ्रेंड, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, और कोई मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी ना चाट मसाला वगैरह, क्योंकि फ्रेंड सबके गले दुख रहे हैं। बच्चों का तो बहुत ही नज़ला जुकाम बुखार यही हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ ना बनाऊँ जिससे बच्चों का गला भी दुखे और ठीक भी रहे खाने में। तो यहाँ पे मैंने विनेगर और ये सोया सॉस दोनों चीज़ ले लिया। अभी ये बोतलें नई की नई है, खोली भी नहीं है फ्रेंड मैंने इन्हें, क्योंकि मुझे बच्चों गुड़िया को चाउमीन बना के देनी थी, उसका मन कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए पहले हल्का सा विनेगर डाल दिया जिससे हल्का सा खट्टा सा बना जाए, और ये थोड़ा ज़्यादा डाल दूँगी जिससे कलर भी अच्छा आ जाए। देख सकते हो आप लोग अभी अभी बोतल खोल रही हूँ मैं ये, क्योंकि मेरी गुड़िया का ना चाउमीन मन कर रहा था बहुत दिन से खाने का। तो और मैं उसे बना के नहीं दे रही हूँ, मैंने कहा बेटा सावन ख़त्म हो जाए तो, सावन के 2 ही दिन रह रहे हैं, रक्षाबंधन वाले दिन सावन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, 1 दिन भी प्याज इस्तेमाल नहीं करी है, सावन हो नवरात्र हो। वैसे तो हम सब्जी में प्याज आप लोगों ने देखा होगा डालते नहीं हो, पर लगभग कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ज़रूरी ही प्याज डलती है तो वो डालना ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड। तो इसलिए मैंने कह रही हूँ गुड़िया से 2 दिन रुक जाओ बेटा, तो सावन होते ही पूरा मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बना दूँगी चाउमीन। तो यहाँ गुड़िया रुखी हुई है, मैंने वैसे भी मंगा के रख रखा है एक नूडल्स का पैकेट बड़े वाला, तो मैंने ये सावन ख़त्म होते ही बना के दे दूँगी। और देखिए हमारे मैक्रोनी पास्ता बन चुके हैं, और हम यहाँ फटाफट से एक बार चला कर गैस कर देंगे बंद, क्योंकि फिर भगवान सबसे पहले निकालूंगी भगवान जी की प्लेट और सबका बाद में करूँगी। तो यहाँ देखिए भगवान जी के लिए निकालने लगी हूँ प्लेट, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे घर में कुछ भी चीज़ बनता है तो सबसे पहले मेरे भगवान जी को लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है उनके प्लेट, पानी भी ले लिया है ठंडा ठंडा। तो चलिए भोग लगा के आते हैं।
तो भोग लगाया ही हूँ, भोग का मेरी गुड़िया ले लेगी प्लेट में। अभी बेटा ले नहीं रहा है, नहाने लग रहा है। वो कह रहा मम्मी मैं नहा लूँ जरा, क्योंकि बच्चों को छुट्टी वाले दिन होता है थोड़ा देर से उठना यही। तो यहाँ पे देखिए इतने में मसाले करने लगी हूँ, फिर लगा दूँगी सबका नाश्ता। सबका क्या, मेरा और बेटे का ही लगेगा, हस्बैंड तो जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले धनिया, फिर जीरा और यही मसाले हैं जो मसालदानी में होंगे। तो इन डब्बे सारे में मसाले कर लूँगी और बिल्कुल किचन साफ़ करके छोड़ दूँगी फ्रंट में। तो यहाँ देखिए मैंने लाल मिर्च पाउडर भी कर दिया है, और उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले डब्बियों में करके रख देंगे। थोड़ा सा धनिया ना इसमें भी रखा था कटोरी में, जब मैंने मसालेदारी खाली करी थी, तो वो भी कटोरी में पहले नीचे डाल दिया, ऊपर से डाल दिया डब्बों में से, हल्दी भी कर दिया फ्रेंड। तो लगभग सारे मसाले हो गए हैं हमारे मसालेदानी में, तो मैंने सारे डब्बे भी उठा के रख दिए। बस ये गरम मसाला था, ये भी अपनी अपनी जगह पे सारे डब्बे रख दिए, क्योंकि किचन साफ़ हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ देखिए मैंने सारे डब्बों को लगा दिया अच्छी तरीके से, और इधर के जो डब्बे हैं इधर लगा देंगे, और फिर इधर से साफ़ करके छोड़ देंगे। तो ये देखिए लगभग मेरी मसालेदानी पूरी लग चुकी है, और यहाँ रख देते हैं पूरी मसालेदानी को उठाकर, और यहाँ से करके लाते हैं सफाई गैस पे, भी हल्का सा कपड़ा मार देते हैं, क्योंकि जब भी कुछ मसाले वगैरह करते हैं ना तो स्लेब पे ज़रूर गिर जाते हैं। तो मैंने इसे कपड़े से समेट लिया है काफ़ी अच्छी तरह से, जो प्लेट में था उसमें ही, और ये थोड़ा बहुत ना सामान बच्चे निकाल देते हैं, नेवी रबड़ लगा के रख दूँगी मैं। तो बेटे का काम निपट गया है, बेटे की लगा रही हूँ नाश्ते की प्लेट, आप लोग भी आ जाइए नाश्ता कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने मैक्रोनी पास्ता कर दिया, ऊपर से डाल दूँगी सॉस, उसे सॉस घेर के अच्छा लगता है खाना। तो चलिए नाश्ता करके मिलेंगे अब आप लोगों से। तो यहाँ हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों से बात कर रही थी, और टाइम हो रहा है अभी 9:30 बज चुके हैं, और नाश्ते का काम निपट गया है फ्रेंड। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी का बेड है, और ये मैंने बराबर वाले घर से बनवाया है, क्योंकि हमारे बराबर में घर में ठाकुर जी के सामान का ही काम होता है, जैसे झूले पालना और बहुत सारी चीज़ बनाते हैं भगवान जी की। तो मैं उनसे एक बेड लेके आई थी, क्योंकि मेरे भगवान जी का जो बेड था ना बिल्कुल ख़राब हो रहा था, और ये बेड देखिए बॉक्स वाला एकदम अच्छा, कितना बढ़िया बन रहा है। इसमें हम लड्डू गोपाल जी के कपड़े रात के, और जो गद्दी चीज़ वगैरह है बच्चों लड्डू गोपाल जी की, सारी इसमें रख लेंगे। और अच्छा लगा मुझे, एकदम मुलायम है, एकदम फोमदार। मैंने कहा चलो हमारे भगवान जी पे भी नया बेड आ गया, क्योंकि उनका बेड काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो चलिए फिर कर लिए है काफ़ी सारी बातें, काम करते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर आप लोगों से बात करके यहाँ आ गई हूँ मैं आटा भरने, क्योंकि आटा रात पीस के आया था और ये भरा भी नहीं गया, काफ़ी चूहों ने कट्टा काट भी दिया है, क्योंकि छोटी छोटी ना चूहियाँ बहुत हो रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो मैं इसे कट्टे से ही गिरूँगी, क्योंकि काफ़ी फट गया है कट्टा। तो देखिए आधा मैं इसमें डाल देती हूँ, और आधा डाल दूँगी भगुनने में, क्योंकि पूरा कुइया में नहीं आएगा, और जो मुझे इसमें भी कोई हमें डालना है तो मैं इस भगोने में से डालती रहूँगी। और काफ़ी आटा भी गिर गया था, क्योंकि चूहिया ने ना कट्टा काट रखा था। तो इसे सारे को उठा के मैं गाय की पन्नी में रख दूँगी, क्योंकि नीचे का आटा वो होता है ना कि हम लोग फिरते भी हैं यहाँ पे रहते, इसलिए तो थोड़ा सा आटा, नहीं तो बाहर चीटियाँ दिख रही होंगी तो वहाँ डलवा दूँगी ये गिरा हुआ आटा जो है। तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट से सारा आटा कुइया में भर लिया है, और इसे हाथों की मदद से नीचे दाब दाब के और मैं सारी आटे में हो गई हूँ फ्रेंड। आप लोग देख सकते हैं जब ये आटे वगैरह का कुछ काम होता है ना तो सारा आटा भी आटे में ही हो जाता है, पर ये हमारे काफ़ी टाइम के लिए हो गया है काम आटे का। तो मैं यही देखने लग रही थी, आटा बिल्कुल ऐसा हो रहा ना, पता नहीं क्या हो रहा है, मोटा मोटा सा पीस रहा है, वरना तो बारीक बारीक पीस के आता है ना तो अच्छा लगता है आटा। ये अच्छी बात है ना, नीचे पीस के आया, और हस्बैंड पिसवा के लाते हैं ना तो काफ़ी अच्छी तरीके से आटा पिसवा के लाते हैं। तो आज मुझे आटा बहुत मोटा मोटा सा लग रहा था, मैं वही देखने लग रही थी। तो यहाँ मैंने कुइया भर दी है, और इसे ढक्कन लगा के अंदर रखे आएंगे किचन में। तो चलिए इसे साफ़ कर लेते हैं, सबसे पहले हाथ धोएंगे, क्योंकि हाथों से साफ़ नहीं होगा, आटे में हो रहे हैं ना, तो ये कट्टे वगैरह भी धो के रख देंगे पानी में काट के। तो यहाँ देखिए मैंने कुइये पे कपड़ा मार कर, और मैं बच्चा साथ के साथ ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ सारे में ना आटा आटा सा हो रहा था। देखिए यहाँ पे किचन में आ गई हूँ मैं फ्रेंड, और अभी मैंने ना बर्तन नहीं साफ़ करे नाश्ते के, क्योंकि मैं ना थोड़ी देर बैठ गई थी बच्चों के पास, क्योंकि संडे का दिन था, बच्चों कुछ ना कुछ बता ही जा रहे थे,
तो इसलिए बस उन्हीं के पास बैठ गई थी। वैसे तो अब चलिए फटाफट से बर्तन वगैरह खाली कर लेते हैं नाश्ते के, क्योंकि फिर बर्तन साफ़ करना है और आज मुझे फ्रिज भी धोना है फ्रेंड, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है, फिर त्यौहार आने लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो लगभग देखिए नाश्ते के मैं सारे बर्तन जितने भी थे सारे ले आई हूँ खाली करके, और काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं फ्रेंड, एक बार के भी ना बर्तन नहीं मंज पाते हैं सुबह से, उस रसोई में मांजने होते हैं तो फटाफट मंज जाते हैं, और बाहर ला के सारे बर्तन मांजते हैं ना तो काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी सबसे पहले यहाँ फ्रिज का काम निपटा देती हूँ, इतने ये हमारे सूखेंगे इतने बर्तन मांज दूँगी मैं यहाँ पर। तो ये फ्रिज के जो स्टैंड वगैरह हैं इन्हें साफ़ कर रही हूँ, और आज बर्तनों का रैक भी ले आई हूँ निकाल के अंदर से, क्योंकि जब वो खाली हो गया तो जो बड़े बड़े बर्तन थे वो मैंने टोकरे में रख दिए निकाल के, मैंने कहा ये साफ से लग रहे हैं, और जो छोटे छोटे बर्तन हैं सारे उठा लाई हूँ, तो मैं ये बर्तन भी साफ करूँगी और ये बर्तनों का रैक भी साफ करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से साफ करने लग रही हूँ, तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट से सारा ये साफ़ कर दिया है, और इन्हें धो धो के धूप में रख देती हूँ, आधे मैंने पहले धो दिए थे आधे रह गए हैं, इन्हें भी फटाफट से वॉश करके और इन्हें धूप में रख दूँगी क्योंकि जल्दी सूख जाएंगे, और मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ साफ करके, क्योंकि ये है ना निशान पड़ जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद से, अगर मैं इन्हें ज़्यादा मांज के रख दूँगी और थोड़ी देर से धोंगी तो ना एकदम सफ़ेद सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं, तो मेरा ये है साथ के साथ धुलते रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो हमारे ये वाला भी साफ़ हो गया, और सलवार है ना फ्रेंड बहुत दुखी करती है, क्योंकि ये बड़ी है ना काफ़ी घूमदार है, तो इसलिए ना इसे लपेट के बैठना पड़ता है, और लैगी वगैरह डाल लो तो ना तो आराम हो जाते काम हो जाता है। तो यहाँ देखिए कितने सारे बर्तन हो रहे हैं, तो मैं ये साफ़ करके सबसे पहले बर्तन ही करूँगी फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये स्टैंड वगैरह सारे धो दिए हैं, फ्रिज की ये प्लेटें वगैरह होती है ना तो ये सब साफ़ कर दिए हैं अच्छी तरह, तो ठीक रहेगा। तो यहाँ मैं इन्हें अच्छी तरह धोकर धूप में रख देती हूँ, क्योंकि सूख जाएंगे ना तो पानी नहीं चढ़ जाएगा सारा, तो चलिए इन्हें धूप में रख देते हैं उठाकर, और पाइप मोड़ दिया है क्योंकि नहीं तो पानी निकल जाएगा। उन्हें धूप में रखने के बाद यहाँ करने लगी हूँ रैक की धुलाई, क्योंकि ये ना काफ़ी दिन से धुला भी नहीं है और बहुत गंदा सा लग रहा था, वैसे तो इतना गंदा है नहीं फ्रेंड, मैं इसे करती रहती हूँ जल्दी से, क्योंकि कोई टांग नहीं रखा है फ्रेंड, अगर टांग रहे हो ना तो उसे टाइम लगता उतारने में वो करने में, और इसे मैंने सिर्फ रखा हुआ है तो इसे जल्दी से गंदा नहीं होने देती हूँ, 15 दिन में महीने में इसे धोती रहती हूँ, क्योंकि ये साफ़ सुथरा रहेगा ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ इसके सारे जो तार वगैरह हैं सारे अच्छी तरह मैंने वॉश कर दिए हैं, यानी कि जूने से जिससे बर्तन मांजती हूँ ना उसी जूने से मैं इस सारे को रगड़ रही हूँ, उन्हीं से मैंने फ्रिज के स्टैंड वगैरह साफ़ करे हैं, उसी से रहकर उसी से फ्रिज साफ़ करूँगी जूने से, क्योंकि मैं जूने से ही साफ़ करती हूँ फ्रेंड फ्रिज को, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है फ्रेंड मेरा फ्रिज, क्योंकि खुले में रखा है ना तो धूल मिट्टी सब उड़ती है, और इसलिए बहुत गंदा हो जाता है फ्रिज मेरा। तो यहाँ मैंने स्टैंड धो दिया है, इसे धूप में रख देती हूँ, क्योंकि इसमें से जो सफ़ेद निशान है ना दिखाई दे जाएंगे अगर धूप में रख दूँगी, तो मैं इसे फटाफट से धोकर धूप में रख देती हूँ। और फ्रिज में ना मैंने इतना खाना सोडा डाल दिया है, और इतना हमारी यहाँ के का जो काम निपटेगा ना तो खाने सोडे से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और फ्रेंड लगभग 10:30 बजे का टाइम है, और धूप देखिए कितनी तेज आ गई थी इधर, इसलिए मैं सामने की तरफ बर्तन और ये फ्रिज साफ़ कर रही थी, और यहाँ देखिए मैंने खाना सोडा डाल दिया, उससे ना स्मेल निकल जाती है जो जरा मरा सी स्मेल आती है, तो यहाँ मैं फटाफट से ये जूने से रगड़ दूँगी साबुन लेके हल्का सा, वैसे तो खाना सोडा डाल रखा है साबुन की ज़रूरत नहीं है, पर मैं हल्का सा साबुन लेके ही साफ़ करूँगी जिससे थोड़ी बहुत जो स्मेल वगैरह होगी ना सब निकल जाएगी। तो यहाँ मैं फटाफट से जूना सारे गेट पर सब जगह मार दी, मेरा फ्रिज टूट भी गया है फ्रेंड 2-3 जगह से, क्योंकि पहले कहीं और रहते थे फिर यहाँ चढ़ाना फिर वहाँ रखना, इस चक्कर में मेरा फ्रिज काफ़ी टूट गया है, और सेफ भी टूट गया है क्योंकि शादी के टाइम कहीं सामान है तो कितना टाइम चलेगा, तो काफ़ी टाइम फिर भी चल गया है, 15 साल हो गए हैं फ्रेंड फ्रिज को भी, और शादी के टाइम का ही फ्रिज है, पहले उस टाइम ऐसे ऐसे ही चलते थे छोटे छोटे फ्रिज, तो वही मेरे लगभग घर वालों ने दिया था। तो यहाँ देखिए मैं इसे फटाफट से वॉश कर देती हूँ, वैसे फिर भी मैं इसकी जितनी सफाई रखती हूँ ना मम्मी भी कह देती है कि तुमने फ्रिज अब लो ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है, कहते हैं ना जितनी सफाई रखोगे उस पर चीज़ उतनी ही ज़्यादा चलती है। तो यहाँ मैं फटाफट से जूना वगैरह सारे मैं मार कर और फिर पाइप से धोऊंगी, क्योंकि यहाँ पानी निकलने का रास्ता है ना, तो मैं इसे जब भी धोती हूँ ना फ्रिज को पानी से ही धोती हूँ,
और उससे ना ठीक रहता है, मैं एकदम साफ सुथरा रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए बाहर भी मैं सारे में जो ना फेर दूंगे और फिर पानी से रगड़ देंगे, और ये क्योंकि जल्दी जल्दी करके करें फिर जो निशान ना पड़ जाए, और फिर जो निशान पड़ जाते हैं ना फिर नहीं हो पाता है पेज पे। तो ये देख सकते हो हल्का हल्का सा ही हाथ मार रही, ज़्यादा तेज नहीं मार रही, वैसे तो इतना गंदा नहीं है क्योंकि मैं डेली कपड़ा मारती हूँ फ्रिज पे। तो यहाँ देखिए मैं इसे पानी से पहले हाथ से धो देती हूँ, फिर पाइप लगा के फिर धोऊंगी उससे, क्योंकि ये ना हाथ से धो दूंगे तो निशान नहीं रहेंगे। तो यहाँ देखिए जूना फेर ले लिया होता है ना, मुँह को ये चीज़ गंदी लग रही है, तो यहाँ ज़रूर हम इसे जूने को मारेंगे तो बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ता है। आप लोग ऐसे कर सकते हो फ्रीज सफ़ा, मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी फ्रीज सफ़ा करती हूँ टाइम तो लगता है पर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मुझे फ्रीज ऐसे ही साफ करना पसंद है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से इस पर सारे में फिर मारने लगी हूँ अंदर, क्योंकि ये ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये मैंने अभी धोया था अब फिर मारने लगी हूँ। तो चलिए हमारी फ्रिज की ना रबड़ भी ख़राब सी हो गई है। तो यहाँ देखिए यार इसका पानी मैं इधर की तरफ उतारती हूँ, पीछे बिल्कुल भी पानी नहीं जाने देती हूँ मैं फ्रिज में। और यहाँ देखिए अच्छी तरह से हमारी फ्रिज की चल रही है धुलाई, और मोटर चला रखा है मैंने फ्रेंड, उससे ना सारे फ्रिज की अच्छी तरह से धुलाई हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने कंटिन्यू पाइप से चला चला के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है फ्रिज। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए अंदर से बिल्कुल जो कचरा वगैरह होगा, वैसे तो इतना गंदा है नहीं, अंदर से तो बिल्कुल साफ़ ही है फ्रिज। तो ये मैंने फटाफट, क्योंकि फिर आप लोगों को पता है रक्षाबंधन आ रही है, फिर जन्माष्टमी भी आ रही है और काफ़ी त्यौहार आएंगे अब जा, तो मैंने कहा सबसे पहले फ्रिज ही साफ कर देती हूँ। और फिर आप लोगों को पता है त्यौहार आते हैं तो कितना सारा खाना भी बनता है और मेहमान भी आते हैं, तो इस वजह से ना मैंने साफ़ सुथरा रहेगा, और यही सामने पड़ता है एकदम घुसने से पहले, और यही साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा लगता है फ्रेंड। तो लगभग देखिए मेरा पूरा फ्रिज धुल चुका है, अब इसे तिरछा कर कर और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, इतने मैं भी आधा एक घंटा आराम करूंगी, क्योंकि मैं भी काफ़ी अच्छी तरह से थक गई हूँ फ्रेंड, क्योंकि जब कुछ ऐसा काम करते हैं ना तो बहुत थकान हो जाती है फ्रेंड। तो चलिए इसे तिरछा कर कर और चलते हैं आराम करने, जब सूख जाएगा जब मिलेंगे फिर आप लोगों से। तो फ्रेंड अगर ये मेरी छोटी सी वीडियो, छोटी नहीं काफ़ी बड़ी, अगर अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा फ्रिज साफ़ करने का तरीका और कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो न्यू हो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे मैं भी कुछ कर लूँगी, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर एक वीडियो बनाने में फ्रेंड बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों को पता है छोटा यूट्यूबर हो या बड़ा यूट्यूबर हो मेहनत बराबर लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिज का सारा सामान लगा दिया है और आप लोगों को फ्रिज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं वो भी दिखाऊंगी। और आज मेरे घर फिर बंदर आए वो भी दिखाऊंगी, इतने सारे बंदर आ गए थे बहुत ज़्यादा, मिला तो कुछ था नहीं क्योंकि फ्रिज का मैंने ताला लगा रखा था, और क्या कहते हैं बाहर जो गाय की पन्नी टंग रही थी बस वो ही ले गए थे उतार के। तो यहाँ देखिए मैंने फ्रिज में सारा सामान लगा दिया है, सब्जी दूध वगैरह और यहाँ बोतल। तो ये देखिए कितना साफ सुथरा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह साफ़ करे हुए रखे नाश्ते के सुबह के। तो यहाँ देखिए फ्रिज कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए ये बैठा है एक बंदर, वे बैठे ऊपर बंदर, और देखिए अभी मम्मी ने सारे कपड़े फैलाए हैं नीचे से, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। तो ये देखिए यही दिखा रही हूँ, बंदर आ जाते हैं, अंदर तो कुछ मिला नहीं फ्रेंड, गाय की पन्नी टंग रही थी वही उतार कर बिखेर दी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखें।